आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद आलोक में। दोस्तों, हम लोगों का ये 500 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जो फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर के लिए ये हमारा पार्ट 10 है। हमने इसके पहले 1 से 9 तक पार्ट अपने YouTube पे अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। 226 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, केवल एक दिशा में द्रव प्रभाव की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, केवल एक ही दिशा में हमें द्रव प्रभाव मतलब मान लीजिए किसी केवल एक ही दिशा में हमें पानी के बहाव को ले जाना है, तो किस वाल्व का प्रयोग करेंगे हम। तो ऑप्शन ए है प्लग काक, ऑप्शन बी है निडल वाल्व, ऑप्शन सी आपका नॉन रिटर्न वाल्व, ऑप्शन डी है प्रेशर रेगुलेटर वाल्व। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या होगा, नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व का प्रयोग हम एक ही दिशा में द्रव प्रभाव को अनुमति देने के लिए करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, फिनिश्ड ट्यूबलर सतह पर किस प्रकार के रिंच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है स्ट्रैप रिंच, ऑप्शन बी है फुट पॉइंट रिंच, ऑप्शन सी है पाइप रिंच, ऑप्शन डी आपका स्लिट सन पाइप रिंच। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए स्ट्रैप रिंच। दोस्तों, स्ट्रैप रिंच का प्रयोग हम फिनिश्ड ट्यूबलर सतह पर करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 228 नंबर का, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। दोस्तों, ये हमारा पाइप कटर है, इसमें हमारा ये एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका आपसे नाम पूछा जा रहा है। दोस्तों, ये हमारा पाइप कटर है, इसका प्रयोग हम पाइप को काटने के लिए करते हैं। इसी में आपका ये पार्ट्स है, इसका आपसे नाम पूछा जा रहा है, इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है कटर व्हील, ऑप्शन बी है एडजस्टिंग स्क्रू, ऑप्शन सी है गाइड रोलर्स, ऑप्शन डी है हैंड लीवर। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या है दोस्तों, कटर व्हील, ये हमारा कटर व्हील है। अगला प्रश्न है, पाइप वाइज कितने मिलीमीटर व्यास के पाइप को पकड़ती है। दोस्तों, पाइप एक हमारी पाइप वाइज होती है, इसको आपसे पूछा जा रहा है उसमें हम कितने मिलीमीटर व्यास के पाइप को पकड़ सकते हैं। तो ऑप्शन ए है 68 mm, ऑप्शन बी है 65 mm, ऑप्शन सी है 63 mm, ऑप्शन डी है 72 mm। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है आपका 63 mm। दोस्तों, पाइप वाइज में हम 63 mm तक के व्यास वाले पाइप को पकड़ सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ये रिंच किस प्रकार का है। दोस्तों, आपको चित्र में दिखाया गया रिंच है, आपको इसका नाम बताना है, इस रिंच का नाम क्या है। ऑप्शन ए है फुटप्रिंट रिंच, ऑप्शन बी है स्ट्रैप रिंच, ऑप्शन सी है चेन पाइप रिंच, ऑप्शन डी है पाइप रिंच। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्या आपका ऑप्शन बी स्ट्रैप रिंच। दोस्तों, ये हमारा कौन सा रिंच है, स्ट्रैप रिंच, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, चेन रेंच के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का न्यूनतम व्यास क्या है। दोस्तों, चेन रेंच के साथ हम उपयोग करते हैं पाइप, उसका न्यूनतम व्यास आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है 25 mm, ऑप्शन बी है 50 mm, ऑप्शन सी है 30 mm, ऑप्शन डी है 45 mm। तो जो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन बी 50 mm। दोस्तों, हम चेन पाइप रिंच से हम 50 mm से 150 mm व्यास वाले पाइप को पकड़ सकते हैं या उससे कस सकते हैं पाइप को। आपका अगला प्रश्न है, पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड की सीमा क्या होती है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है पाइप डाई से जो हम काटते हैं थ्रेड उसकी बाहरी सीमा क्या है। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या है, 1/4 इंच से 4 इंच तक।
अगला प्रश्न है 233 नंबर का, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। दोस्तों ये आपका एक्स के रूप में चिन्हित भाग, इससे आपका नाम पूछा जा रहा है, इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन ए पिवोट, ऑप्शन बी है स्प्रिंग, ऑप्शन सी है मूवेबल जा, ऑप्शन डी है एडजस्टिंग नट। तो दोस्तों दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी एडजस्टिंग नट, इससे हम एडजस्ट कर सकते हैं इस किसके इसके जा को। अगला प्रश्न है पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जैसे ये हमारी पाइप है, इसको हमको इधर मोड़ना है, तो किस पाइप फिटिंग का उपयोग हम करेंगे। देखते हैं आपका ऑप्शन क्या है, यूनियन, ऑप्शन बी है प्लग, ऑप्शन सी है एल्बो, ऑप्शन डी कपलिंग। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या एल्बो। एल्बो के द्वारा हम पाइप को, पाइप प्रवाह की दिशा को मोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास के समान हो सकती हैं। तो आपका ऑप्शन ए है टी ज्वाइंट, ऑप्शन बी है एल्बो ज्वाइंट, ऑप्शन सी है कपलिंग ज्वाइंट, ऑप्शन डी है यूनियन ज्वाइंट। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए टी ज्वाइंट। 90 डिग्री का मतलब दोस्तों ऐसे ही क्लियर हो जाता है टी, ये हमारा कितना डिग्री है 90, ये 90, इसका राइट आंसर टी ज्वाइंट होगा। अगला प्रश्न है यह पाइप फिटिंग क्या है। 236 नंबर का आपको प्रश्न पूछ रहा है ये पाइप फिटिंग क्या है। चित्र में देख लीजिए इस फिटिंग को, ऑप्शन ए रेड्यूसर, ऑप्शन बी है निप्पल, ऑप्शन सी है कैप, ऑप्शन डी है प्लग। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कैप, ये हमारी पाइप फिटिंग कैप पाइप फिटिंग है। अगला प्रश्न है यह पाइप फिटिंग क्या है। फिर से आपको एक दूसरा चित्र दिखाया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ये फिटिंग कौन सी है। तो ऑप्शन ए है कैप्स, ऑप्शन बी है प्लग, ऑप्शन सी है कपलिंग, ऑप्शन डी है रेड्यूसर। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रेड्यूसर, तो ये हमारा रेड्यूसर पाइप फिटिंग है। आपका अगला प्रश्न है प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है और इसे केवल खुला या बंद स्थिति में रखा जाता है। ऑप्शन ए गेट वाल्व, ऑप्शन बी है ग्लोब वाल्व, ऑप्शन सी है निडल वाल्व, ऑप्शन डी है नॉन रिटर्न वाल्व। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गेट वाल्व। अगला प्रश्न है यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। ऑप्शन ए ऑटोमोबाइल वाहन में, ऑप्शन बी है कपड़े मिल में, ऑप्शन सी है इंजीनियरिंग मशीने में, ऑप्शन डी है लार्ज एंगल ड्राइव में। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑटोमोबाइल वाहन में। दोस्तों हम यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग ऑटोमोबाइल वाहन में करते हैं। अगला प्रश्न है वाहन प्रोपेलर शाफ्ट पर किस प्रकार के कपलिंग का उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है प्लेट कपलिंग, ऑप्शन बी है क्लैंप कपलिंग, ऑप्शन सी है स्लिप टाइप कपलिंग, ऑप्शन डी है यूनिवर्सल कपलिंग। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यूनिवर्सल कपलिंग। अगला प्रश्न है लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है। ऑप्शन ए है बोर पाइप के बराबर, ऑप्शन बी है पाइप बोर के एक बटा दो टाइम्स, ऑप्शन सी है पाइप के बोर के 3 टाइम, ऑप्शन डी है पाइप के बोर के 2 टाइम। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी पाइप के बोर के 1.12 टाइम, मतलब 1.5 टाइम। शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है। तो आपका ऑप्शन ए पाइप बोर के 1
यहाँ पॉइंट रहेगा, पॉइंट 1/2 टाइम। ऑप्शन बी है बोर पाइप के बराबर, ऑप्शन सी है बोर सॉरी पाइप के बोर के 3 टाइम्स, ऑप्शन डी है पाइप बोर के 2 टाइम। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 242 नंबर का, ऑप्शन बी पाइप बोर के बराबर। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि हमें पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ना है, मतलब क्या ऐसे। तो इसका जो ऑप्शन ए एल्बो, ऑप्शन बी है कपलिंग, ऑप्शन सी आपका रिड्यूसर, ऑप्शन डी है ब्रांच। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए एल्बो। अगला प्रश्न है, विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हमें विभिन्न व्यास के पाइप को जोड़ना है, तो आपसे पूछा जा रहा है किस मानक फिटिंग का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए है प्लग, ऑप्शन बी है कैप्स, ऑप्शन सी है रिड्यूसर, ऑप्शन डी है कपलिंग। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आपका क्या, रिड्यूसर। अगला प्रश्न है, बाहरी थ्रेड के 2 पाइपों को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हमें बाहरी थ्रेड के 2 पाइप को जोड़ना है, तो आपसे पूछ रहा है कौन सी फिटिंग का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए है रिड्यूसर, ऑप्शन बी है कपलिंग, ऑप्शन सी है कैप, ऑप्शन डी है निप्पल। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी क्या, कपलिंग। बाहरी थ्रेड को 2 पाइपों को जोड़ने के लिए हम कपलिंग फिटिंग का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 246 नंबर का, बंद होने के बाद भी नल से पानी क्यों टपकता है। दोस्तों ये प्रश्न आपसे फिर दोबारा पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन ए है खराब वाशर, ऑप्शन बी है स्पिंडल थ्रेड घिस जाना, ऑप्शन सी है स्पिंडल का मुड़ जाना, ऑप्शन डी आपका ढीला वाल्व। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका एक 246 नंबर का, खराब वाशर। दोस्तों अगर खराब वाशर रहेगा तो हमारा पानी से नल टपकता रहेगा, इसलिए हमको वाशर को बदल देना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है 247 नंबर का, और इस पार्ट का ये दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है, क्या चालू होने पर नल में तेज आवाज़ होती है। दोस्तों हम नल को चालू करते हैं तो देखते हैं बहुत तेज़ आवाज़ आती है, तो क्यों आती है देखते हैं। ऑप्शन ए आपका स्पिंडल झुकी होना, ऑप्शन बी स्पिंडल थ्रेड घिस जाना, ऑप्शन सी है स्टफिंग बॉक्स पैकिंग का सूख जाना, ऑप्शन डी है स्पिंडल पर वाल्व ढीला होना। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी स्पिंडल वाल्व ढीला होना। दोस्तों हम जो नल चालू करते हैं तो आवाज़ तेज आती है, क्यों आती है, स्पिंडल पर वाल्व ढीला होना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।